दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे घर में जो बल्ब होते हैं जिससे उजाला होता है, वे खराब या फ्यूज हो जाने के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? और दोस्तों, जब कभी आप रोड पर जाते हो, और आपने अक्सर रोड पर इस चीज को जरूर देखा होगा, क्या आपको पता है इसको क्या कहते हैं और इसकी कीमत कितनी है? दोस्तों, आज हम ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हो TGF एपिसोड 1। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अपना फेवरेट टीवी शो देखते समय काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रीन पर कभी कभी कुछ रैंडम नंबरों को दिखाया जाता है। आपने कभी सोचा है ये क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे एक वजह है। ये नंबर हर एरिया के लिए यूनिक होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर दिखाए जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्यों दिखाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस वीडियो को कॉपी करने की कोशिश करता है तो उस नंबरों की वजह से उसे स्ट्रेस किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने एक बल्ब को कितनी देर तक जलते देखा है? अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये कैसा सवाल है, और कुछ कहेंगे आधा दिन, एक दिन या दो दिन, चलो मान लिया एक महीना या एक साल। और दोस्तों, क्या आपको पता है सेंटिनल लाइट बल्ब दुनिया का एक ऐसा लाइट बल्ब है जो कि साल 1901 से, यानी 119 साल से जलता आ रहा है। ये बल्ब कैलिफोर्निया में है। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक जलने वाला बल्ब है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्री डाकू अपनी एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते थे? आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि वो एक फैशन था, पर मैं आपको बता दूं कि इसकी असल वजह कुछ और थी। वो आंख पर पट्टी इसलिए बांधते थे क्योंकि रात में देखने के लिए दिन में उन्हें एक आंख को बंद रखना पड़ता था, और उस आंख को वे रात में खोल लेते थे जिससे कि रात में भी साफ देखा जा सकता था, जिससे कि वह रात में ये साफ देख सकते थे कि कोई समुद्री डाकू हमला तो नहीं करने वाला है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में कई नमूने हैं जो कि कुछ पैसा बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिसमें से एक कैथ सैफोर्ड एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का था जो कि एक प्लेन के पहियों के अंदर छुप गया था। जब प्लेन लैंड होने वाला था तो उसके पहिए खुल गए थे, जिससे कि वो लड़का 200 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। ठीक उसी समय जॉन गिब्लिन नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने लेंस की टेस्टिंग करते समय उसकी ये फोटो खींची थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना 3 आर्टिफिशियल मून आसमान में बनाने की तैयारी कर रहा है? ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। चाइना के साइंटिस्ट 3 आर्टिफिशियल चांद को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि चाइना का कहना है ये 2022 तक पूरा हो जाएगा। जब इन्हें पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा तो ये स्ट्रीट लैंप की जगह ले लेंगे, और ये रियल मून से 8 गुना ज्यादा ब्राइट होंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपके घर में माचिस या लाइटर जरूर होगा जिससे आप सिगरेट वगैरह या बाकी के काम करते होंगे, पर क्या आपको पता है लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले हुआ था? पर अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये सच है। लाइटर का आविष्कार 1823 में हुआ था, जबकि माचिस का आविष्कार उसके ठीक 3 साल बाद, यानी 1826 में हुआ था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला बोर्ड गेम कौन सा है? सोचिए जरा। ओके, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, अब तक का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला बोर्ड गेम मोनोपोली है, जिसमें 2 से 8 व्यक्ति एक बार में खेल सकते हैं, जिसमें खिलाड़ियों का लक्ष्य संपत्ति के कुछ टुकड़ों को खरीदना होता है, और इसमें विरोधियों को खेलते टाइम मजबूर किया जाता है, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बोर गेम माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि कुत्तों से ज्यादा वफादार जानवर कोई सा नहीं है, और आप में से ये ज्यादातर लोगों ने अपनाया भी होगा। दोस्तों, जापान में रहने वाले एक व्यक्ति के पास एचिको नाम का एक कुत्ता दुनिया का सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसके मालिक की मौत हुई थी तो उसके अंतिम संस्कार के बाद भी वह कुत्ता उसी जगह 10 साल तक उसके वापस आने के इंतजार में वहीं खड़ा रहा, जिससे कि उस कुत्ते की वहीं खड़े रहने से मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप जब कभी हाईवे रोड पर से गुजरते हो तो आपने ये जरूर देखा होगा जिसका नाम रोड स्टड है। ये एक मिनी सोलर पैनल की मदद से बैटरी से चलता है। इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि इसमें एक लाइट सेंसर लगा होता है जो कि ये पता करता है कि दिन है या रात, जिससे ये जलता बुझता रहता है। दोस्तों, इसकी कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपए तक होती है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपके घरों में बल्ब तो जरूर होंगे जो उजाला देने का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों, जब बल्ब फ्यूज या खराब हो जाता है तो अंदर से काला क्यों पड़ जाता है?
क्या ये आपको पता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बल्ब के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। जब वे जलते हैं तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब एक धुएं का एक उत्सर्जन करते हैं। जब कांच के अंदर गिट्टी ज्यादा गर्म हो जाती है तो वह खराब हो जाता है और कांच काला पड़ जाता है। दोस्तों ये थे इस एपिसोड के कुछ रैंडम फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं TGF के एक अगले नए एपिसोड।